Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to discuss MCQs from the chapter Reflection for class 10th ICSE. So let's see our first MCQ. The reflection of the point P minus 2, 3 in the x-axis is. Jab reflection x-axis mein ho, it means x-axis ko as a mirror consider karna hai. Then x coordinate change nahi hoga, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा. जैसे कि यहाँ पर माइनस टू है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये चेंज नहीं होगा. माइनस टू रिमेन्स द सेम बट y कोऑर्डिनेट चेंज होगा. ये थ्री है तो इसकी वैल्यू माइनस थ्री हो जाएगी. माइनस टू माइनस थ्री इज आर करेक्ट आंसर. अब मैं आपको ग्राफ पेपर पे बताती हूँ कि x कोऑर्डिनेट का साइन क्यों नहीं चेंज हो रहा और y कोऑर्डिनेट का क्यों चेंज हो रहा है जब रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस हो रही हो. अब देखो हमारे पास पी कोऑर्डिनेट है माइनस टू थ्री. पी कोऑर्डिनेट माइनस टू थ्री. फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स होता है, सेकंड वाई. एक्स कितना है? माइनस टू. ये एक्स एक्सिस है, इसमें माइनस टू यहाँ पर आ रहा है एंड वाई पॉजिटिव थ्री ये वाला. अब इनको हम यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर मीट कर रहा है. ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये क्या है? P. अब इसकी रिफ्लेक्शन करनी है इन द x एक्सिस. मीन्स x एक्सिस को एज अ मिरर कंसीडर करना है. एंड हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि मिरर के इन फ्रंट ऑफ जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उतने ही डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होती है. ऑब्जेक्ट इस मिरर से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है तो बिहाइंड द मिरर भी 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर ये इमेज बनेगी. एंड अगर बात करें एक्स की तो एक्स का तो चेंज होगा नहीं. अगर यहाँ पर इसके लिए माइनस टू है तो इसके लिए भी माइनस टू रहेगा. तो अब पी डैश, अगर इमेज ऑफ पी की बात करें तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं? एक्स तो चेंज होगा नहीं, वाई चेंज होकर क्या हो गया? माइनस थ्री. तो यहाँ से क्लियर होता है कि अगर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, जस्ट वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वो भी साइन का फर्क आएगा और कुछ नहीं. लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट पी माइनस टू थ्री इन द वाई एक्सिस. अब वाई एक्सिस के लिए भी सेम ही कंसेप्ट होगा कि अगर y एक्सिस को एज अ मिरर कंसीडर करेंगे तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा बट x चेंज होगा. इट मीन्स अगर यहाँ पर x माइनस टू है तो इमेज के लिए x प्लस टू हो जाएगा और y रिमेन्स सेम. तो इसके लिए कौन सा कोऑर्डिनेट करेक्ट ऑप्शन है? प्लस टू प्लस थ्री. प्लस टू प्लस थ्री, सो ए इज आर करेक्ट ऑप्शन. चलिए इसको भी ग्राफ पेपर पर डिस्कस करते हैं. अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें माइनस टू थ्री, सेम कोऑर्डिनेट. तो पी पॉइंट तो यही होगा. अब हमें रिफ्लेक्शन करनी है इन द वाई एक्सिस. इट मीन्स वाई को एज अ मिरर कंसीडर करना है. ऑब्जेक्ट मिरर के इन फ्रंट ऑफ जितने डिस्टेंस पर पड़ा है इमेज भी बिहाइंड द मिरर उतने डिस्टेंस पर ही बनेगी. यहां पर ऑब्जेक्ट टू यूनिट्स के डिस्टेंस पर है तो यहां पर इमेज भी टू यूनिट्स के डिस्टेंस पर होगी. इट मीन्स ये वाला पॉइंट आ रहा है. अब इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं? एक्स पॉजिटिव टू एंड वाई पॉजिटिव थ्री. तो यहां पर देखो जब रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस हो रही है देन y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा बट x का साइन चेंज हो रहा है. क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री. इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट P अंडर रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस इज माइनस थ्री टू, इट मीन्स इमेज के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर. करना तो इस क्वेश्चन में भी पॉइंट को रिफ्लेक्ट है इन द एक्स एक्सिस. बस इतना है कि ये कोऑर्डिनेट्स इमेज के हैं एंड जो हमारे पास
आफ्टर रिफ्लेक्शन आएंगे वो ऑब्जेक्ट के होंगे। तो चलिए इसको भी ग्राफ पेपर पर डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए इमेज, इमेज को पी डैश से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर पी हमने ऑलरेडी ले रखा है तो यहाँ पर क्यू डैश लिख लेते हैं, ठीक है। क्यू डैश के लिए कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -3, 2 एंड रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस है। तो चलिए पहले इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं, x -3 इट मीन्स ये वाला पॉइंट एंड y2 मीन्स ये, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। Q पॉइंट यहां पर आ रहा है, ये क्या है, इमेज है, इसकी रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस हो रही है, मीन्स x को एज अ मिरर कंसीडर करेंगे। अगर इमेज बिहाइंड द मिरर 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर भी 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर पड़ा होगा, तो इसका मतलब Q पॉइंट यहां पर होगा। x की बात करें तो x -3 है एंड y की बात करें तो y कितना है, -2। तो अगर इन x एक्सिस रिफ्लेक्शन हो रही है तो x कोऑर्डिनेट रिमेन्स द सेम, चेंज क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, यहां पर +2 था, यहां पर -2 हो गया। तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा है, -3, -2। सो लेट्स सी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी -3, -2। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट पी 1, -2 इन द लाइन y = -1 इज। अब देखो इस क्वेश्चन में ना तो रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस है और ना ही इन y एक्सिस है, हमें ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है जो के पैरेलल टू x एक्सिस होगी। हाउ, लेट मी शो ऑन द ग्राफ पेपर। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास गिवन है y = -1, ये y एक्सिस है, यहां पर y -1 यहां पर है, तो ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है जो के पैरेलल टू x एक्सिस है। अब इस क्वेश्चन के लिए कोऑर्डिनेट्स देखते हैं क्या है, p (1, -2) चलिए अब इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं, x कितना है, पहले वाला x, दूसरे वाला y, x 1 है तो x एक्सिस पर 1 मूव करेंगे ये वाला, एंड y -2 है तो -2 ये रहा। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, वी गेट द पॉइंट पी 1, -2। अब इसको रिफ्लेक्ट करना है इन दिस लाइन व्हिच इज y = -1। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ जितने डिस्टेंस पर होता है उतना ही बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होती है, तो इस लाइन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो 1 यूनिट के डिस्टेंस पर इमेज होगी, मीन्स इमेज यहां पर होगी पी डैश। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल x लिखते हैं तो x कितना है, 1, एंड सेकंड y, ये तो x एक्सिस है तो x एक्सिस पर y क्या होगा, 0, ये ओरिजिन होता है ना, यहां पर 0, 0 होते हैं x एंड y, तो यहां पर y कितना हो गया, 0। सो लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए d इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1, 0, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ बिकॉज योर लाइन थी वो x के पैरेलल थी, यहां पर y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है। अब इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूं, ग्राफ पेपर पर कैसे करना है वो तो आपको पता चल ही गया है, अब इसका फॉर्मूला भी बताती हूं मैं। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें कोई लाइन दे रखी होती है इनके लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है। अब देखो इसको केयरफुली देखना, y = 1 लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां से हमें मालूम चलता है कि x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा तो x को एज इट इज लिखना है। y कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होता है, -y + 2a। अब ये a क्या होता है, y = a, यहां पर y = -1 है तो इसको यहां से कंपेयर करना होता है, a की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए कितनी है, -1, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट 1
y माइनस टू था फॉर्मूला का माइनस एंड y की वैल्यू माइनस टू प्लस टू इंटू a कितना है माइनस वन वन कोमा माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा ये टू माइनस वन से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस टू प्लस माइनस माइनस तो अब यहां पर देखो कोऑर्डिनेट क्या आ गए वन कोमा टू माइनस टू जीरो ग्राफिकली भी हमारा आंसर यही आया था और मैथमेटिकली कैलकुलेशन के बाद भी आंसर सेम आ रहा है अब ये आप पर है कि आपको किस मेथड से इमेज के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना इजी लगता है ग्राफिकली और मैथमेटिकली नाउ लेट्स सी फिफ्थ क्वेश्चन द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए फोर माइनस वन इन द लाइन एक्स इक्वल्स टू टू अब जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो x इक्वल्स टू टू है ये वाली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी हाउ लेट्स सी ऑन द ग्राफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन है x इक्वल्स टू टू x इक्वल्स टू टू कहां पर है ये तो अब इस क्वेश्चन के लिए इस लाइन को हम मिरर कंसीडर करने वाले हैं That is x equals to 2. And इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं a पॉइंट 4 माइनस 1. सबसे पहले इस पॉइंट को ग्राफ पेपर पर लोकेट करते हैं फर्स्ट वाला x होता है सेकेंड वाला y. x कितना है 4. मीन्स ये वाला पॉइंट y कितना है माइनस 1. मीन्स ये वाला पॉइंट इनको अगर ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट ये आ रहा है ए फोर माइनस वन अब इसको रिफ्लेक्ट करना है इन दिस लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट रिमेन्स अनचेंज्ड वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा अगर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर टू यूनिट्स के डिस्टेंस पर पड़ा है इट मीन्स इमेज बिहाइंड द मिरर टू यूनिट्स के डिस्टेंस पर बनेगी मीन्स ये वाला पॉइंट आ रहा है यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ये वाई एक्सिस है तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा जीरो एंड वाई कोऑर्डिनेट माइनस वन रिमेन्स अनचेंज्ड यहां पर भी माइनस वन यहां पर भी माइनस वन सिर्फ x वाला चेंज हो रहा है यहां पर 4 एंड यहां पर 0 मैथमेटिकली इसको कैसे करना है लेट मी शो यू हियर ये पॉइंट a है तो इसकी इमेज a डैश होगी y को तो चेंज नहीं होना है y को एज इट इज लिखेंगे x चेंज होगा सेम जिस मैनर में ये चेंज हुआ था उसी मैनर में ये चेंज होगा माइनस वाई लिखा था तो यहां पर माइनस एक्स आ जाएगा प्लस टू ए लिखा था तो यहां पर भी टू ए आएगा अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक्स कितना है फोर तो माइनस फोर प्लस टू ए कितना है ये देखो एक्स इक्वल्स टू ए तो यहां से ए कितना आ रहा है टू कोमा वाई यहां पर वाई कितना है इस पॉइंट के लिए माइनस वन माइनस फोर एज इट इज टू टू ज़ फोर प्लस फोर कोमा माइनस वन माइनस फोर प्लस फोर जीरो कोमा माइनस वन तो यही पॉइंट आ रहा है जो हमने ग्राफिकली फाइंड आउट किया था जीरो माइनस वन लेट्स फाइंड आउट इट्स करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए जीरो माइनस वन दैट इज ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर लेट्स सी सिक्स क्वेश्चन द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट माइनस थ्री जीरो इन द ओरिजन इज द पॉइंट अब जब इन ओरिजन रिफ्लेक्शन होती है तो एक्स एंड वाई दोनों के लिए साइन चेंज हो जाते हैं लेट मी शो ऑन द ग्राफ पेपर सिक्स क्वेश्चन के लिए इसी ग्राफ पर देख लेते हैं पॉइंट हमारे पास माइनस थ्री जीरो है इसको रिफ्लेक्ट करना है इन द ओरिजन फर्स्ट वी शुड लोकेट दिस पॉइंट x कितना है माइनस थ्री वाई जीरो एक्स माइनस थ्री एंड वाई जीरो इट मीन्स
ऑन द एक्स एक्सिस, मीन्स हमारा पॉइंट कौन सा है, ये वाला -3, 0. इन द ओरिजिन रिफ्लेक्शन करेंगे, मीन्स ओरिजिन में से पास होगी इसकी इमेज. अगर ओरिजिन के इन फ्रंट ऑफ 3 units पर ऑब्जेक्ट पड़ा है, इट मीन्स बिहाइंड द ओरिजिन 3 units के डिस्टेंस पर ही इमेज फॉर्म होगी, मीन्स ये वाला पॉइंट आ गया. तो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 3 and 0. तो अगर हम पॉइंट -3, 0 को इन द ओरिजिन रिफ्लेक्ट करवाते हैं, देन इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, 3, 0. लेट सी इट्स करेक्ट ऑप्शन 3, 0, दैट इज ऑप्शन सी. सेवंथ एंड लास्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y = -2. अंडरस्टूड है कि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी. अगर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, देन एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा. इट मींस हमें ऐसा पॉइंट चूज करना है जिसके लिए आफ्टर रिफ्लेक्शन y कोऑर्डिनेट चेंज ना हो, एंड y = -2 पर ही y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन. लेट मी शो ऑन द ग्राफ पेपर. दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन y = -2. y - 2 कहां पर होता है, ये -1, -2. इट मीन्स ये है रिफ्लेक्शन लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस. तो इसका मतलब x का कोई भी कोऑर्डिनेट हो वो चेंज नहीं होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन. चेंज क्या होगा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट. क्वेश्चन में बोला गया है कि वो वाला पॉइंट फाइंड आउट करो जो इनवेरिएंट हो. इनवेरिएंट मींस जो आफ्टर रिफ्लेक्शन चेंज ना हो. अब x की तो कोई भी वैल्यू हो यहां पर, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन चेंज होना ही नहीं है. y चेंज होगा अगर -2 के अलावा और कोई भी वैल्यू हम लेंगे. मान लो यहां पर कोई भी पॉइंट x है एंड y -2 है, तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन y के कोऑर्डिनेट को चेंज नहीं होने देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी y = -2 एक्सिस पर है. तो इसका मतलब इसके लिए करेक्ट पॉइंट कौन सा हो सकता है, यहां पर x की कोई भी वैल्यू हो बट y शुड बी -2. तो अब ऑप्शंस में से देखते हैं कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन हो सकती है. ये देखो, y की वैल्यू सिर्फ इस ऑप्शन के लिए -2 है, इसके लिए 2 है. अगर y की वैल्यू 2 होती, यहां पर देखो, अगर y की वैल्यू 1, 2 ये वाली होगी, तो x की वैल्यू कोई भी हो, यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज लाइन के दूसरी साइड आएगी, तो y तो चेंज होगा ही होगा. बट हमें क्या चाहिए, इनवेरिएंट, जिसमें कोऑर्डिनेट चेंज ना हो. तो इसमें से किसी भी ऑप्शन के लिए अगर आप इमेज ड्रॉ करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, सिर्फ इसके लिए चेंज नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर y -2 है. इट मींस जो पॉइंट है वो y = -2 पर ही लाई कर रहा है, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इनवेरिएंट रहने वाला है. दैट्स वाई बी इज आर करेक्ट ऑप्शन. ML अग्रवाल की बुक में यही 7 MCQs थे फ्रॉम द चैप्टर रिफ्लेक्शन. If you have any doubt, then let me know in the comment section. I'll definitely reply. Thanks for watching. Till then, goodbye. Take care.